नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आतंकवाद की वैश्विक चुनौती की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, जिस तरह से पश्चिमी देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या लगता है इससे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि पश्चिमी देश जिस दोगली भाषा में इस वक्त बात कर रहे हैं उससे आतंकवाद समाप्त हो सकता है। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको अपनी जमीन पर होने वाला आतंकवाद आतंकवाद नजर आता है और बाकी सब जगह उनको भीतरी मामला या दो देशों का आपसी मामला नजर आता है। तो जब तक वो इस भाषा में बात करेंगे तब तक आतंकवाद के खिलाफ जो दुनिया की लड़ाई है वो सफल नहीं हो सकती, सही मुकाम पर नहीं पहुंच सकती। मुझे लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद को सही रूप में सही अर्थों में परिभाषित करने की गुहार लगाते हैं तो मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती बात कि जब हमारा खून का रंग सभी का लाल है तो फिर चमड़ी के रंग के आधार पर आतंकी हमलों की जो तस्दीक होती है वो क्यों होती है। मुझे लगता है कि जब यूरोप के देशों में या अमेरिकी देशों में सफेद चमड़ी के ऊपर होने वाले किसी भी हमले को लेकर इतनी ज्यादा बौखलाहट होती है, उसको आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को खड़ा हो जाना चाहिए ऐसे नारे दिए जाते हैं। मैं किसी भी आतंकवादी हमले को यहाँ न्याय संगत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पेरिस में जो हुआ बिल्कुल गलत है, अमेरिका की सरजमी पर जो हुआ बिल्कुल गलत है, लेकिन आप ये देखिए कि भारत कितने दशकों से इस आतंकवाद के दंश को झेलता आ रहा है। पेशावर के जो स्कूल में हमला हुआ आतंकवादी हमला वो गलत है। पाकिस्तान की जमीन पर होने वाले आतंकवादी हमले की भी हम जमकर मजम्मत करते हैं, आलोचना करते हैं, भर्सना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब पश्चिमी देशों की जमीन पर ये हमले होते हैं तो फिर ऐसा क्यों। आप देखिए कि आतंकवाद से साल भर में जो लगभग 1,20,000 मौतों का होना बताया गया था, अकेले सीरिया में 2,20,000 मौतें हो गई हैं। तो पिछले एक साल में अगर आतंकवाद की घटनाओं से मरने वालों की संख्या में 80% तक का इजाफा हुआ है तो हमें पता लगता है कि दुनिया कितने बड़े बारूद के ढेर पर बैठी है और इस खतरे से निपटने के लिए मेरा और तेरा आतंकवाद की भाषा जब तक पश्चिमी देश अपनाते रहेंगे हम लोग सफल नहीं हो सकते। सीरिया में भी एक चीज देखने में आ रही है कि रूस और अमेरिका दोनों कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दूर दूर दिख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बशर अल असद की जो सत्ता है उसके खिलाफ जो लड़ाई चालू हुई उसमें ISI का साथ अब तक कौन देता रहा सब लोग अच्छे से जानते हैं। रूस उस मामले में कहां पर था, रूस ने किस तरीके से उस हमले में ISIS के खिलाफ पहले भी हमले किए हैं लेकिन उस वक्त अमेरिका ने उसका उस तरीके से समर्थन नहीं किया जैसा कि आज कर रहा है। आज आप देखिए कि ऐतिहासिक रूप से फ्रांस और रूस साथ में आए हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी साथ में नहीं आए हैं। तो जिस तरह हिटलर के डर ने सबको एकजुट कर दिया था उसी तरीके से अब ISIS ही आतंकवाद के, लेकिन ऐसे ISIS को खड़ा किसने किया है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने बशर अल असद को गलत मानकर तो जिस तरीके से आपने सद्दाम हुसैन को, हुस्ने मुबारक को और कद्दाफी को हटाया है ठीक उसी तरह से आप बशर अल असद को हटा रहे हैं। ठीक है, अगर वो तानाशाह है आप उसको हटाना चाह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या वो केवल तानाशाह इसलिए कि वो अपने लोगों पर अत्याचार करता है या वो तानाशाह इसलिए कि वो अमेरिकी हितों की या यूरोप के दूसरे देशों के हितों की रक्षा नहीं करता? तेल पर उसका जिस तरीके का कब्जा है उस मोनोपोली को आप तोड़ना चाहते हैं। आप ये बताइए कि जब अमेरिका के ड्रोन हमला करने जाते हैं तो ISIS के ठिकानों से तेल लेने वाले जो टैंकर उसको दिखाई देते हैं अपने सैटेलाइट पर, उन पर हमला क्यों नहीं होता है? तो ये जो बड़ी गंदी राजनीति, और ये बताइए कि दूर गुफाओं में, टीलों में, कबीलों में, कस्बों में बैठे हुए इन आतंकवादियों को इतने आधुनिक हथियार कहां से मिल रहे हैं? इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? जो आज इतनी आधुनिक डिजिटल दुनिया हो चुकी है उसमें क्या इनके फंडिंग के पूरे रास्तों का पता लगाना मुश्किल काम है? जब अलकायदा ने जिसको पाल पोस कर रूस के खिलाफ अफगानिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने बड़ा किया, अमेरिका पर ही हमला कर दिया तो उसके सारे फंडिंग आपने रोकी, उसके सारे फंडिंग को बंद किया, उस पर हमला किया और आखिर 10 साल ही लगाए लेकिन आपने ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान में ढूंढकर मार गिराया। पर उसी अलकायदा ने जब हिंदुस्तान की जमीन पर इतने हमले किए तब आपने कुछ नहीं कहा। 80,000 से लोग यहां पर आतंकवाद में मारे जा चुके हैं, आपको कोई दर्द नहीं होता? 120 लोगों की जान पेरिस में जाती है तो आपको ज्यादा दर्द होता है? वो भी गलत है, होना नहीं चाहिए। पेशावर में भी जो आतंकवादी हमला हुआ वो भी गलत है। तो आप सभी आतंकवादी हमलों के खिलाफ एक आवाज उठाइए ना। जब हमारे प्रधानमंत्री ये मांग करते हैं कि अब संयुक्त राष्ट्र को आतंकवाद की परिभाषा सही रूप से गढ़नी चाहिए तो मुझे लगता है बिल्कुल सही मांग करते हैं, क्योंकि आपका आतंकवाद आतंकवाद है और दूसरे देशों में होने वाला आतंकवाद आतंकवाद नहीं है, ये कब तक चलेगा? मुझे लगता है इस दोगलेपन से जब तक पश्चिमी देश बाहर नहीं आते हमें आतंकवाद से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल सकती। आप अपने हित के लिए इन भस्मासुरों को खड़ा कर रहे हैं, वो जब आपकी ओर हाथ लेकर दौड़ पड़ते हैं तब आप सारी दुनिया की मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगते हैं। जी, अच्छी और देखने में आ रही है कि पढ़े लिखे युवा जो है ISIS से जुड़ रहे हैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको नाम इस्लाम का दे रहे हैं कि इस्लाम कहीं नहीं है, इसमें वहशियत है, इसमें दरिंद्रगी है, इसमें एक तरह का पागलपन है, एक तरह का जुनून है। मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा कि जिनके दिमाग में पहले से कोई खब्द है वो होशियार हो सकते हैं,
पढ़ लिख सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो खपत है, उस खपत को, उस पागलपन को, उस जुनून को, उस बेहूदगी को, उस बेवकूफी को जब कोई आवाज देता है तो वो उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वो इस तरह की पागलपन के लिए तैयार हो जाते हैं। आप उसको इस्लाम का नाम दे रहे हैं, आप उनसे इस्लाम का अर्थ पूछेंगे नहीं बता पाएंगे। हिंदुओं को लेकर जो कट्टरपंथी तत्व आ गए, आप उनसे सच्चे हिंदुत्व को, सनातन धर्म को परिभाषित करने के लिए कहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। ईसाइयों को लेकर जो कुछ गलत लोग जुड़ गए हैं, चरमपंथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनसे ईसाइयत क्या है पूछेंगे वो नहीं बता पाएंगे। दरअसल धर्म इनका मूल उद्देश्य है ही नहीं, इनका मूल उद्देश्य इसी तरह की दहशत करना है, अपने आप को एक ऐसे मकसद से जोड़ लेना है जो सचमुच वहशियत की ओर ले जाता है, लेकिन उनको एक तरह का अजीब तरह का सुख मिलता है उस वहशियत से। जैसे जो अबाउद है, जिसको पेरिस हमलों का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, आप उसके किससे पढ़े, उसका पूरा परिवार अच्छा है, उसका एक भाई और उसमें शामिल हो गया था, लेकिन जो तीसरा भाई है वो बड़ा दुखी है और वो समाज में बेहतर तरीके से जीवन जी रहा है। उनके परिवार का कहना है कि इसकी हरकतों से हम दुखी थे, और जब वो आईएसआईएस में शामिल हुआ था तब उसने ये कहा था कि मुझे खून देखने में मजा आता है। तो मुझे लगता है कोई दिमागी खराबी है, ऐसा व्यक्ति जिसको खून बहाने में और खून देखने में मजा आता है, उसको तो धर्म का या आईएसआईएस जैसे संगठनों का बहाना मिल गया है अपनी इस हवस को, खून की हवस को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आतंकवाद का शिक्षा से कोई संबंध है? क्योंकि हमने देखा है कि ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी आधुनिक शिक्षा हमारे दिमाग को उस तरीके से साफ और बेहतर नहीं कर पा रही है जिस तरीके से करना चाहिए। शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए था कि हमें सब धर्मों को समान मानकर उनका आदर करने सिखाए, वो शिक्षा दरअसल हमें पता नहीं क्यों अपने इस ज्ञान का उपयोग गलत दिशा में करने के लिए मजबूर कर रही है। निश्चित तौर पर हमारी आधुनिक शिक्षा में कोई कमी है, जो इस तरह के पढ़े लिखे लोग इस तरह के कामों से, इस तरह की हरकतों, समाज में सफेदपोश पुनिए हुए अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर सर्वधर्म संभाव की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनके गहराई में जाइए, उनसे मिलिए, उनका और अधिक परिचय जानिए, तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो किसी तरह के कट्टरपंथ से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी बड़ी खराबी हमारे पूरी नस्ल में हो गई है जो लोगों को गलत दिशा में ले जाने पर मजबूर कर रही है, और शिक्षा इसका सफाया अगर नहीं कर पा रही तो हमें निश्चित तौर पर उसको फिर से नए सिरे से देखना होगा। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे आतंकवाद की वैश्विक चुनौती की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।